शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किसी भी तरह मुझे अंजलि को घर से बाहर निकालना ही होगा। पहिया समय का देखे ग्रहों की ये चाल जी, होगा वही जो चाहे लड्डू गोपाल जी। पहिया समय का देखे ग्रहों की ये चाल जी, एक मिनट के लिए अंजलि को अकेला नहीं छोड़ता यश। चाहे लड्डू गोपाल जी, पूर्ण होगी कामना या लगेगा ग्रहण, पूछते हैं रातों से ये जागते नयन। वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी फाइल्स में है, मैं आपको लेट नाइट भेज दूंगा। नहीं एक्चुअली जहाँ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ फाइल्स मेरे पास नहीं है, ऐसे मैं आपको लेट नाइट भेज दूंगा, तब तक मैनेज कर लीजिए। ओके, आई एम वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन। यश जी आप कमरे में चले जाइए ना, हम बस रसोई सबमिट कराते हैं। देखिए देखिए गैस भी बंद है, हम कुछ काटने वाटने वाले भी नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। आप प्लीज कमरे में जाकर अपना काम कर लीजिए, हम बस अभी आ जाएंगे। प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ। हेलो, मैं फाइल सबको अभी भेज रहा हूं। बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैंने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। सच मान अंजलि, जब से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, तब से मैं प्रायश्चित करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन
तेरे साथ के बिना मेरा प्राश्चित पूरा नहीं होगा। हमारे साथ के बिना आप कहना क्या चाहते हैं बहू जी? पंडित जी कह रहे थे कि जिसके लिए तुम ये प्राश्चित करना चाहती हो उसके हाथों से ही पूजा होनी जरूरी है, और जब तक वो तुम्हें माफ करके तुम्हारी तरफ से ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाएगी तब तक तुम्हारा प्राश्चित पूरा नहीं होगा। अंजलि, क्या तुम मेरे लिए मंदिर चलकर पूजा और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकती? अंजलि, हमें कब चलना होगा बहू जी? कल सुबह 7 बजे कृष्णापुरी वाले मंदिर में। लेकिन कल तो, हाँ हाँ जानती हूँ, कल उल्टे फेरे की विधि होनी है, पर वो तो रात को 12 बजे होनी है ना, और हम तो दोपहर तक वापस आ जाएंगे। असल में मैं चाहती हूँ कि उल्टे फेरे होने से पहले पूजा और ब्राह्मणों को भोज हो जाए, ताकि उल्टे फेरे में कोई बाधा ना आए। अच्छा, मैं तेरी दुविधा समझ सकती हूँ। भला तुझे कैसे भरोसा होगा मुझ पर, क्योंकि मैंने आज तक तेरे साथ बुरा ही किया है ना। लेकिन सच कहती हूँ, जब तक मेरा प्राश्चित पूरा नहीं होगा ना, तब तक मेरा मन हल्का नहीं होगा। फिर भी अगर तू नहीं चाहती तो मैं तुझ पर कोई जोर नहीं डालूंगी। मुझे मेरे किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। नहीं नहीं बहू जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तू कल सुबह पूजा के लिए आएगी अंजलि? हाँ बहू जी, हम आएंगे। जी ठीक है। कान्हा जी करे कि तुझे मेरी उम्र भी लग जाए। हमने बहू जी को हाँ तो कह दिया, लेकिन यश जी को कैसे मनाएंगे? कल रात को उल्टे फेरे होंगे, अब तक तो सब ठीक चल रहा है, बस कल भी अच्छे से निकल जाए। कल रात तक मैं अंजलि को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। मौनी अमावस्या से पहले के ये 17 दिन अंजलि पर बहुत भारी है, इसलिए मौनी अमावस्या तक अंजलि का बहुत विशेष ख्याल रखना होगा। मैं अंजलि की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। अगले 17 दिनों तक वो मेरी अमानत के रूप में तुम्हारे पास रहेगी, उसका ख्याल रखना। जो लोग हमारे घर में घुस आए थे वो सिर्फ अंजलि पर ही लाइट फेंक रहे थे, क्या वो अंजलि को नुकसान पहुंचाना चाहते थे? ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गोली भी अंजलि के लिए थी? कल के लिए मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता। अंजलि, अपने एक दो जोड़ी कपड़े पैक कर लो। क्या हुआ? कपड़े क्यों पैक करने हैं? कहीं जाना है क्या? हाँ, हमें कल सुबह 6 बजे निकलना है। लेकिन कल सुबह तो हमें मंदिर जाना है। अंजलि, मैं जानता हूँ मंदिर जाना जरूरी है, लेकिन कल नहीं परसों चली जाना प्लीज। कल तुम्हें मेरे साथ चलना है सुबह 6 बजे।
लेकिन यश जी जाना कहाँ है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब हम क्या करें? वो जी हमारा इंतजार करेंगे। एक अनोखे बंधन से बंधे अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।